भाजपा से बागी होकर कांग्रेस की टिकट पर चुनाव हारे पूर्व मंत्री सरताज सिंह ने मीडिया के सामने अपनी कमलनाथ सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। सरताज ने कहा कि कमलनाथ का मंत्रिमंडल योग्यता नहीं, नेताओं और जातिगत आधार पर बना है। ये गलत है, मंत्रिमंडल योग्यता के आधार पर होना चाहिए। मंत्रिमंडल बनाने के लिए ऐसी बातों का विचार किया जाता है जिनका नहीं किया जाना चाहिए। आप हल्का ढूंढते हो वहां तक भी ठीक है, चलो ये पूरे क्षेत्र का सामंजस्य हो जाए, लेकिन आप जाति ढूंढते हो कि भाई किस जाति के कितने हो गए, किस जाति के कितने हो गए, ये आधार गलत है। नेताओं के आधार पर बना है, जाति के आधार पर बना है, क्षेत्र के आधार पर बना है, और ये सारे ही आधार गलत हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर सरताज ने कहा कि ना तो कांग्रेस सरकार बनाएगी और ना ही भाजपा। इस बार ना बीजेपी आएगी ना कांग्रेस आएगी, मिलीजुली सरकार आएगी। किसी को स्पष्ट बहुमत लेने की ताकत अब नहीं रही। भाजपा में वो ताकत आ गई थी पिछले चुनाव तक, लेकिन अब वो ताकत भी हम खो चुके हैं। जो 2014 में मोदी जी का की आंधी थी वो आज नहीं है, इस कारण उनको भी नहीं मिलेगा। कांग्रेस भी इतना ऊंचा नहीं बढ़ गई कि स्पष्ट बहुमत ले ले। गौरतलब है कि सिवनी मालवा से भाजपा विधायक रहे सरताज सिंह विधानसभा चुनाव में भाजपा से टिकट नहीं मिलने पर कांग्रेस में शामिल होकर होशंगाबाद से चुनाव हार गए। अब सरताज सिंह लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि पार्टी मौका देगी तो चुनाव लड़ूंगा। होशंगाबाद से EMS TV के लिए राजेंद्र मालवी की रिपोर्ट।